और जैसे जैसे मेट्रो का काम चलते जा रहा है, आप देखिए कि आजू बाजू भी जो इमारतें हैं वो भी बहुत ही रफ्तार से कंप्लीट होती जा रही है। और ये ब्रिज को तो हम काफ़ी खैर दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, तो आप जो आपको नया कुछ दिखेगा तो वो है पीछे ISBT टर्मिनल और आगे हमारा स्टेशन। और ये देखिए आप कितनी रफ्तार से ये स्टेशन का इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है कि लास्ट जब हमने देखा था और अब जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही रफ्तार पकड़ी हुई है काम ने। पहले भी मैंने आपको बताया है कि दिन में टारगेट इन्होंने थोड़ा सा रोक दिया था, बट अब वापस से चालू कर दिया है दिन में भी काम, जिसकी वजह से तेज़ी और पकड़ ली गई है। और पीछे अगर आप फ्रेम में देख पा रहे हैं तो ये हमारा ISBT टर्मिनल। बोर्ड को अभी थोड़ा सा साफ कर दिया गया है, थोड़ा सा नया लगाने की कोशिश करेंगे शायद से। तो यहाँ से मैं खड़े होकर आपको दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि वो आप दूर में एक हमारे दोस्त को देख पा रहे होंगे कि वो कैसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, कैसे उसको सेटअप करेंगे ताकि फिर इस पर पटड़ियाँ बिछाई जा सके। तो अगर आपको अब तक हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। मेहनत बहुत सारी लग रही है और कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से हो रहा है, तो आपको और क्या कंटेंट देखना पसंद है प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताएं और हमारे साथ बने रहें ताकि हम आगे के अपडेट्स आपको दिखा सकें। चलिए और ये तो अपने ब्रिज के ऊपर का नज़ारा एक हमारा वीडियो में भी देखा होगा जिसमें हमने आपको ऊपर से चढ़कर भी नज़ारे दिखाए थे कि कैसा दिखता है मेट्रो का जो ट्रैक है वो अंदर से कैसा होता है, तो आप मेरे वो वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राउनिंग विथ पिलर्स कम्प्लीट हो चुकी है और ये हम आगे बढ़ते हुए MR10 ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ से पहले MR10 ट्रैक आएगा जो हमारे अगेन थैंक्स टू दोस्तों ने बताया है कि वो MR10 स्टेशन ही कहलाता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भंवरशाल स्टेशन आता है, तो हम उसकी तरफ अभी बढ़ते हुए। और यहाँ पर मेन सड़क पर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो जी हाँ आपको यहाँ पर ज़रूर कंस्ट्रक्शन दिखेगा। मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये कैसा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, लेफ्ट टू राइट सेंटर शिफ्ट हो जाएगा ये यहाँ से, ये जो आप ट्रैक के पटरियाँ देख रहे हैं यहाँ से कुछ ही दिनों में आपको एक ट्रैक और बनता हुआ दिखेगा जो कि ये देखिए बीच में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा वो। तो दोस्तों हम MR10 ब्रिज को क्रॉस करते हुए अब नेक्स्ट ट्रैक की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं जिसमें कि आपने मुझे बताया कि ये MR10 स्टेशन ही कहलाने वाला है, तो आप अभी इतनी दूर से देख पा रहे हैं नहीं मैं थोड़ा सा अश्योर नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका भी कंस्ट्रक्शन दिखाऊँ। हालाँकि यहाँ पर पिलर्स जो 10% जो रिमेनिंग है वो यहीं पर्टिकुलर पोर्शन के बचे हैं, अदरवाइज 90% जो पिलर्स हैं अगर आप ट्रैक पर देखेंगे वीडियो में तो आपको लगभग पूरे बना दिए गए हैं। और यहाँ पर भी स्टेशन का काम आप देखें तो फर्स्ट बेस इसके ऊपर टी के ऊपर एक बेस और रहता है जो कि अभी नहीं हो रहा है, पर उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको भी ये कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, जैसा कि ये देखिए अभी ऊपर भी काम पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये MR10 स्टेशन को हमने अभी क्रॉस किया है और इसके बाद के स्टेशन में सबसे पहला भंवरशाल आने वाला है जिसकी आप अभी बीच में एक और क्रेन देख पा रहे होंगे जो कि पिलर्स को डिक करने के लिए अभी काम आएगी, पाइलिंग बोलते हैं जिसे। तो टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो एकदम बेसिक होती है उसमें मैसेज ज़्यादा कन्वे हो सकता है इसलिए मैंने आपको बताया, पर हाँ ये देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे के भी आपको अपडेट्स जारी रहेगी कहाँ जाना है फिर रोहित यादव के साथ।